Welcome back to Indian Mom in Israel. I hope you all are fine and keeping safe in these days. तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी. आई नो रिक्वेस्ट बहुत पहले आई थी जब मैंने फ्राइडे वाला ब्लॉग डाला था, फुल रूटीन डाला था मैंने फ्राइडे का, तब रिक्वेस्ट आई थी कि मटन करी की रेसिपी प्लीज शेयर करना. सो आई नो आई एम लेट बट आई एम सॉरी. और हाँ, यहाँ के अपडेट्स मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगी, अलग से एक गपशप करेंगे हम, गपशप वाला ब्लॉग. तो तब मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ के अपडेट्स, यहाँ के हालात, यहाँ के केसेस, कोरोना सिचुएशन क्या हुआ है क्या नहीं. सो वो अलग से, अभी हम बनाते हैं मटन करी. चलिए. सो फ्रेंड्स, मटन बनाने के लिए सबसे पहले तो ये खड़े मसाले यहाँ पर मैंने ली है. 1 स्टिक ऑफ दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 तेज़पत्ता और 1/2 टीस्पून ऑफ काली मिरी, काली मिर्च, ब्लैक पेपर. ये सारे खड़े मसाले हैं. देन यहाँ पर है कुछ जिंजर एंड गार्लिक जो मैंने क्रश किया हुआ है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं. दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 2 टीस्पून्स. 1 बड़ा ऑनियन, 1 बड़ा टमेटो, सब फाइनली चॉप्ड. और यहाँ पर पटेटो लिया है मैंने, 2 पटेटोज. और यहाँ से कुछ मसाले हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी. यहाँ पर मैंने मटन के पीसेस जो है मैरिनेट करके रखे हुए हैं, सिर्फ सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी लगाकर. और ये है वो ग्रीन मसाला जो मैं यूज़ करती हूँ. इसमें है धनिया, मिर्ची, अदरक और लहसुन, बहुत ही थोड़ा सा. ये पेस्ट बना के मैं रख देती हूँ ताकि मैं बाद में कुकिंग में यूज़ कर सकूं. तो यहाँ पर हमने ऑयल जो है हीट कर लिया है, ये मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में. तो ऑयल हीट होने के बाद खड़े मसाले डाल देने हैं. खड़े मसाले जब पॉप होने लगे, जब स्प्लटर होने लगे, तो हम इसमें डाल देंगे ऑनियन. और ऑनियन को हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये ब्राउनिश ना हो जाए. मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, सॉल्ट से ये जल्दी पक जाते हैं. तो इसे अच्छे से भूनना है और जब स्लाइटली ब्राउन और होने लगे, जब ये यू नो ट्रांसपेरेंट होने लगे, तब हम इसमें डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक क्रश किया हुआ. अगेन आप पेस्ट भी ले सकते हैं, मैंने बहुत सारा लिया हुआ है यहाँ पर, बिकॉज मटन करी में ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है. और यहाँ पर आपको भूनना है जब तक कि इसका जो रॉ स्मेल है वो निकल ना जाए. बहुत ही अच्छे से भुनना है, नहीं तो आपको वो कच्चापन लगेगा ना खाते वक्त, तो वो अच्छा नहीं लगेगा. इवन तो हम ये विसल्स पे भी पकाएंगे, बट स्टिल. देन आपको इसमें डाल देना है टमेटो. टमेटो को भी अच्छे से भुनना है हमें जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए. और अब हम इसमें डालेंगे वो ग्रीन मसाला जो मैंने बना कर रखा हुआ था, वो डालेंगे. अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून के जितना लिया है. उसे भी अच्छे से भुनना है, बिकॉज वो भी कच्चा है, तो उसे भी अच्छे से भुनना है हमें. उसी के साथ मैं थोड़ी देर में सारे मसाले भी डाल दूंगी ताकि एक ही साथ वो भुन जाए सारे के सारे. तो 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, वो सब डाल देना है. देन 1 टेबल स्पून के करीब जीरा पाउडर एंड 1/2 टीस्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च. एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पाइसी खाना है. तो मैंने यहाँ पर डाले थे 2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर. ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जिसका स्पाइसीनेस है लेकिन इतना नहीं है, बट कलर बहुत अच्छा देता है. तो वो 2 टीस्पून डाले हैं मैंने, सॉरी. आप स्पाइसीनेस आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं. अब हमें इसे जो है अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से पका लेना है, भून लेना है. ये मसाले बहुत ही अच्छे से भुन जाने चाहिए, इसमें से ऑयल जो है सेपरेट होना चाहिए, तब तक इसे भुनना है. सो यहाँ पर जो है मेरे मसाले भुन चुके थे और मैंने इसमें डाल दिया है पटेटोज. आप देख सकते हैं कि पटेटोज मैंने एक जो है होल ही रखा है, पूरा का पूरा ही रखा है, काटा नहीं है उसे. और दूसरा मैंने काट के रख दिया है हाफ में. वो इसलिए क्योंकि मटन को हम ज़्यादा देर तक पकाते हैं कुकर में, तो ऐसा ना हो जाए कि पटेटो बहुत जल्दी गल जाए, उन वो पूरा कीमा ही हो जाए उसका, और यू नो तो वो अच्छा नहीं लगेगा. तो इसलिए मैंने बड़े बड़े पीसेज ही रखे हैं. यस, आपको थोड़ा सा यू नो मिक्स एंड ये सब करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज मटन के पीसेस भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े हैं. यहाँ पर एक्चुअली काटने का प्रॉब्लम है, तो जिस तरह से हमें
जो जो जिसके पास से हम लेते हैं उसी हिसाब से हम डालते हैं, तो इसलिए कुछ बड़े ही पीसेस हैं यहाँ पर, बट इट्स ओके। मतलब आप जैसे जैसे आप जिस तरह के मटन पीसेस आपको मिलते हैं उस तरह के आप डाल सकते हैं। एंड पोटैटो मैंने इसी हिसाब से बड़े रखे हैं, बट अगेन आपके हिसाब से, आप जिस तरह का आपका प्रेशर कुकर है या जिस तरह के आपके मटन पीसेस है जो साइज है उनका, तो उस हिसाब से आप पोटैटो के साइजेस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ी देर के लिए भूनूंगी मैं ये मटन एंड पोटैटो। फ्लेम मेरा हाई ही है, जब जैसे ही मैंने शुरू किया पकाना मैंने स्लो किया ही नहीं है, तो इसे हाई पर ही सारा का सारा भुनना होता है, सब मसाले और मटन एक्सेट्रा। अब इसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली, आप देख सकोगे, 2 कप के जितना, 2 ग्लास के जितना पानी डाला है, 2 कप। अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको कितना ग्रेवी चाहिए, कितना करी चाहिए। इसे पकने के लिए इतना ही बहुत हो जाता है, बिकॉज मटन भी अपना मॉइस्चर छोड़ेगा, अपना पानी छोड़ेगा। सो मैंने 2 कप्स के जितना पानी डाला है, और अब इसे ढक कर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं सबसे पहले पकाऊंगी स्लो गैस पे, ओके, लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी फॉर हाफ एन आवर और सो, फॉर अबाउट 20 मिनट्स और सो। एंड देन मैं इसे फ्लेम हाई करके 2 सीटी लूंगी, 2 विसल्स, और अपना जो मटन करी है वो रेडी हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है और अगर आपने ये ट्राई की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक बटन प्लीज़ क्लिक कर देना, और हाँ सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूले। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ येलो जीरा राइस के साथ, बट ये पराठे के साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। सो आई रियली होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।